गाइस वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप लोग, आशा करते हैं अच्छे होंगे और हम लोग की तरह स्माइल कर रहे होंगे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं, कॉलर द सूट की कटिंग बताने वाले हैं। तो चलिए फटाफट कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सूट काटने के लिए हम इसमें गले की कटिंग करेंगे। तो गले की कटिंग के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरीके से 4 इंची हम पहले बीच में निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हमने 4 इंच की निशान लगा लिया है, 2 इंच हमने यहाँ निशान लगा लिया है। उसके बाद इसकी लेंथ देखेंगे, तो लेंथ हमें रखनी 7 इंची। यहाँ पर मार्जिन 1 इंची, इस डिजाइन से 1 इंची मार्जिन छोड़कर और यहाँ 7 इंची हमने निशान लगाना। देखो 7 इंची हमारा करेक्ट आ रहा है, तो यहाँ हमारा कोई काम नहीं, यहाँ से हम काट के निकाल लेंगे। इस तरीके से पहले मार्क कर लेंगे, इस तरीके से मार्क करने के बाद यहाँ से हम इसे काट के निकाल देंगे। काटने के बाद यहाँ से हमें पकड़ना है सेंटर से यहाँ पर और इधर पकड़ना है इस तरीके से, और इस तरीके से हमें अपनी साइड रख लेना है। देखना है कि सेंटर ही है, और यहाँ पर हमें सेंटर चेक कर लेना एक बार। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सही से सेंटर बैठ गया। उसके बाद यहाँ पर हमें शोल्डर के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पर तो कपड़ा है नहीं, इसलिए यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। तो हमें यहाँ पर शोल्डर रखने हैं 15 इंची के, तो 7.5 पर हम यहाँ पर लगा लेंगे निशान, और इस तरीके से यहाँ पर हम निशान मिला लेंगे। तो यहाँ पर जो 7.5 इंची के शोल्डर आएंगे वो यहाँ पर निकल के आ गए। उसके बाद जो फिगर की चौड़ाई थी वो थी 30 इंची, तो 30 इंची के लिए हमें रखना है इसका चौथाई भाग, तो उसका आ जाएगा 7.5। तो 7.5 पर हमें यहाँ निशान लगा लेना है। यहाँ पर हमने 7.5 पर निशान लगा लिया है। उसके बाद 2 इंची एक्स्ट्रा इसमें मार्जिन लेंगे, यहाँ से हमें एक निशान लगाना है। यहाँ पर हम 7 इंची पर निशान लगा देंगे और इसे इस निशान को मिला लेंगे, ये वाला निशान इससे मिला लेंगे। और यहाँ पर 1 इंची इस तरीके से निशान लगा कर, और यहाँ पर हम घुमा के राउंड में यहाँ पर निशान हमने करेक्ट लगा लिया है। अब यहाँ से हमें फीता रखना है, और जो चौक बनेंगे हमारे वो यहाँ पर 21 इंची के बनेंगे। तो यहाँ पर हम 21 इंची पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से, और यहाँ से फीता उठाना है, यहाँ रखना है। उसके बाद जो यहाँ पर कमर पर रहेगी चौड़ाई, तो वो थी हमारी कमर पर 16 इंची, उसका हम रखेंगे 8.5 रख लेंगे, 8 इंची। उसके बाद 2 इंची इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन दे देंगे, और इस तरीके से इन निशानों को इस तरीके से मिलाना है। और यहाँ पर 1 इंची इस तरीके से, यहाँ पर 1 इंची यहाँ पर लूजिंग देनी है, और इस तरीके से यहाँ पर हो गया काम। और मार्जिन की यहाँ पर दामन के लिए हमें निशान लगाना है, तो दामन हमें रखना 17 इंची का, तो 17 का भाग होता है 8.5, तो 8.5 हमें यहाँ निशान लगाना है, और इस निशान को इस निशान से मिला लेना है। यहाँ इस तरीके से हमें इस निशान को मिला लेना है, और मार्जिन भी ये जो मार्जिन के लिए हमने, यहाँ तो मार्जिन है नहीं, यहाँ परफेक्ट कटिंग है। यहाँ से जो मार्जिन के लिए निशान लगाया था, इसी को हम काट के अलग कर देते हैं। यहाँ पर निशान लगा लिया हमने, और इसे काट के अलग करना है। यहाँ पर हमें कॉलर फिट करना है, और उसके बाद इसी के हिसाब से यहाँ पर हम काट के बैक साइड को भी हम क्लीन कर लेते हैं। यहाँ से इसी तरीके से देखिए, हमने काट के अलग कर दिया है, और ये रहा आगे का, और ये रहा पीछे का।
निकालनी है स्लीव्स। स्लीव्स निकालने के लिए इसको हमने डबल फोल्ड किया और इस तरीके से इसे मोड़ लिया। इस तरीके से देखना है, 8 इंची है, 8 इंची परफेक्ट है हमारा। यहाँ पर 8.5 इंची है, इतना ही हमें चाहिए, कपड़ा सही है। उसके बाद इसकी लेंथ नापनी है हमें, इसकी लेंथ पूरी लेंथ आ रही 20 इंची, हमें रखनी है इसमें 18। तो यहाँ पर देखिए इतना तो हम फोल्ड करेंगे यहाँ पर, और 1 इंची इधर हम मार्जिन में यहाँ पर सिलाई डाल देंगे। तो इतना काम मतलब परफेक्ट ही निकलने वाली इतने कपड़े से। और यहाँ पर रखना हमें 4 इंची, तो 4 इंची निशान लगा लिया। उसके बाद 1.5 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन, तो 2 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन है यहाँ पर। उसके बाद इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा हल्का यहाँ पर हमें निशान लगा इसे काटना है। अब यहाँ पर हमें 2 इंची डाउन करना है यहाँ पर, और इस तरीके से निशान लगाकर इसे भी काट के अलग कर देंगे। ये बाजू बन के तैयार हो गई। कपड़े में से निकालना है कॉलर, तो कॉलर के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर रखेंगे फीता और 12 इंची पर निशान लगा लेंगे। देखिए 12 इंची पर निशान लगा लिया है। उसके बाद यहाँ से हम इसे डबल फोल्ड करेंगे और इसे काट लेंगे यहाँ से खोल कर, इसे ऐसा ही रख लेंगे। अभी इस कॉलर को ऐसा ही रख लेंगे क्योंकि जब कॉलर स्टिच करेंगे तब हमें साइज के हिसाब से कॉलर लगाना है, क्योंकि साइज के हिसाब से किसी के 12 इंची का लगता है कॉलर, किसी के 10 इंची का, तो किसी के 11, किसी के 11.5। मतलब साइज के हिसाब से कॉलर लगता है, तो हम वहाँ पर स्टिच करते वक्त बताएंगे कितना बड़ा कॉलर लगेगा। तो आप लोग स्टिचिंग की वीडियो जरूर से देख लें। सूट की कटिंग पूरी हो चुकी है, अब आपको इसकी स्टिचिंग चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। और हाँ, पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर से दबा दें।